अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही नबीना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व मन वाला इला यौमिद्दीन। मुशाहिदीन किराम, ख़वातीन मिल्लत इस्लामी, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ बच्चों, आज की इस मुलाकात का उन्वान है खैर और भलाई पर बच्चे की तरबियत। अभी चंद मिनट पहले मैंने औलाद की अहमियत और औलाद के सिलसिले में वालदैन की जिम्मेदारियों पर मुख्तसर तरीके से एक रोशनी डालने की कोशिश की थी कि बीच में नेट कर गए, कट गया। समईन कराम, आप जानते हैं कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है और सारे नबियों को भी औलाद की चाहत, तड़प और तमन्ना थी। सारे नबियों ने अल्लाह ताला ही से औलाद की दुआ की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हमें औलाद के सिलसिले में हमेशा याद रखनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, ए अल्लाह ताला तू मुझे सालेह औलाद में से हिबा फरमा, अता फरमा। सालेह जिस्म में भी सालेह, अखलाक व किरदार में भी सालेह, मुआमलात में भी सालेह, समाज और मुआशरे के लिए भी सालेह, वालदैन के लिए भी सालेह और पूरी इंसानियत के लिए सालेह हो। औलाद ये अल्लाह ताला की जानिब से बहुत ही अजीम तरीन नेमत और अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा एहसान, करम और मेहरबानी है, जिसका अंदाज़ा आप सब, हम सब अच्छी तरीके से करते हैं और जानते हैं। औलाद का होना ये उतनी बड़ी नेमत नहीं है जितनी बड़ी नेमत औलाद का सालेह होना, चाहे वो औलाद बच्चियों की शक्ल में हो और चाहे वो औलाद बच्चों की शक्ल में हो। दोनों हमारी औलाद हैं और दोनों के अंदर जितना ही सलाह पाया जाएगा, दोनों जितने ही ज्यादा नेक होंगे, दोनों जितना ही ज्यादा सालेह होंगे, वही हमारे लिए दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर सआदत मंदी, फौजो फलाह और कामयाबी, निजात का जरिया और सबब बनेंगे। आप ये बात सुन चुके हैं कि नेक औलाद की दुआएं अल्लाह ताला सुनता है और वफात के बाद आदमी की नेक औलाद उनके लिए सदके जारिया बन जाती है। सामईन कराम, खवातीन मिल्लत और अपने बाप की सारी औलाद, अल्लाह ताला हमें अपने वालदैन के लिए सदके जारिया बनाए। हमारी औलाद को, हम सब की औलाद को हमारे लिए सदके जारिया बनाए, आमीन। उन्हें सालेह और नेक बनाए, दुनिया के अंदर भी हर तरह की सआदत खुशनसीबी से माला माल फरमाए और आखिरत के अंदर हमारे लिए बख्शिश, निजात, मगफरत का सामान बनाए, हमारे लिए कीमती अपनी तरफ से इनाम और इकराम बनाए। सामईन किराम, आपका नेक लड़का, आपका सालेह लड़का आपकी उम्र में इजाफा, बढ़ोतरी, नीज आपकी वफात के बाद, आपके मरने के बाद आपकी नेकियों के बढ़ाने का, आपकी नेकियों में बढ़ोतरी करने का, आपकी नेकियों में इजाफे का सबब, कारण और जरिया है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी वफात के बाद भी आपके नेक लड़के की वजह से आपकी नेकियों का, आपके हसनात का, आपकी अच्छाइयों का, आपकी भलाई
बुराइयों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, जैसा कि फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है। लंबी हदीस का एक टुकड़ा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलदिन सालिहिन यदुला, मरने के बाद वो नेक लड़का जो उसके लिए दुआएं करे, ये उसके उसका अज्र और सवाब जारी रहता है। समाइने करम, इस हदीस एक हदीस के इस टुकड़े को सुनने और समझने के बाद हमें चाहिए कि हम नेक बनकर अपने वालदैन के लिए बेहतरीन अमदा तोहफा बने, कीमती तोहफा बने, अपने माँ बाप के लिए, अपने वालदैन के लिए सदके जारिया बने। ये हर औलाद की तमन्ना होनी चाहिए। साथ ही साथ वालदैन में से बाप की और माँ की ये कोशिश होनी चाहिए, ये दुआएं होनी चाहिए, ये मेहनतें होनी चाहिए कि हमारी औलाद हमारे लिए दरबारे इलाही में हमारे लिए निजात और छुटकारे के लिए, हमारे रफ़े दर्जात के लिए एक निहायत कीमती तोहफा और तोशा और ज़ादे आखरत बने। आज हमारे बहुत समाज में मौजूद लोग बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं जो पैदाइश के बाद ही से लेकर, चाहे लड़का हो या लड़की, उनकी दुआएं, उनकी कोशिशें, उनकी मेहनतें ये हुआ करती हैं कि मेरा लड़का बड़ा होकर ज्यादा पैसे कमाने वाला बने, ज्यादा पैसे दौलत और दुनियावी सरमाया कमाने वाला बने। बहुत सारे ऐसे वालदैन होते हैं और औलाद के बारे में ऐसी थिंकिंग और सोच रखने वाले अपने बच्चे को सिन्ने शुऊर पर पहुंचने के बाद उसी रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं, उसी राह की निशानदेही करते हैं जिस राह पर चलकर बंदा बेटा या बेटी खूब दौलत कमा ले, खूब शोहरत कमा ले, खूब माल कमा ले, खूब कुर्सी कमा ले, खूब नामरी कमा ले। लेकिन ऐसी औलाद जो दीनी तालीम और तरबियत से महरूम हो, या जिसके माँ बाप ने, जिसकी वालदेन ने उसे दीनी तालीम और तरबियत से महरूम रखा है, वो कभी वालदेन के लिए सदके जारिया नहीं बन सकता। ऐ वालदे मोहतरम और ऐ अम्मी जान, ऐ अपने बच्चों और बच्चियों के पिताजी, ऐ अपने बच्चों और बच्चियों के अब्बू जान और अपने बच्चों और बच्चियों की अम्मी जान, अपने नाती और नतनियों के नाना और नानी जान, अपने पोते और पोतनियों के दादा और दादी जान, आपको अपने नेक लड़के नेक औलाद की कीमत का अंदाजा उस वक्त होगा जब आप कब्र में रखे जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे वालदैन को, हमारे मुतल्लिकीन को, हमारी ज़ुर्रियत को कब्र के फितनों से महफूज रखे और अजाबे कब्र से मामून रखे। आप और हम अपने अपनी औलाद की कीमत का अंदाजा उस वक्त करेंगे जब कब्र के अंदर रखे जाएंगे और अपने हक में अपने सालेह नेक लड़के की तरफ से किए गए इस्तिग़फ़ार, बख्शिश तलबी, सदका, हज
देखेंगे, उस वक्त हमें पता चलेगा कि हम, हमारी औलाद, चाहे लड़का हो या लड़की, अल्लाह ताला की तरफ से कितनी अजीम नेमत और कितना गहरा कदर तोहफा है अगर हमारी औलाद सालेह निकल गई। अल्लाह करे हमारी औलाद सालेह हो और हम अपने वालिदैन के लिए सालेह बने, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों का खुलासा की रोशनी में यह बात कही जा सकती है कि आज हम दुनिया के अंदर अपनी औलाद की दीनी तालीम, दीनी सलीका, दीनी तमीज, दीनी तरबियत, उनकी इस्लाह के बारे में बिल्कुल गैर फिक्रमंद हैं, कोई फिक्र नहीं। लड़का जहां चाहे आए जाए, जो चाहे करे, जैसा चाहे रहे, हमें कोई परवाह नहीं है, वो तो उसकी जिम्मेदारी है। और ऐसे मामले में कहीं माँ बाप दोनों कसूरवार होते हैं, कहीं माँ कसूरवार होती है और कहीं बाप कसूरवार होता है, जबकि हसबे जिम्मेदारी माओ की भी जिम्मेदारियां हैं, बापों की भी जिम्मेदारियां हैं। और जो माँ जो बाप अपने लिए अपनी औलाद को, अपने बेटों और बेटियों को सदके जारिया बनाना चाहती है, ऐसे मां बाप को बच्चे का पेट में वजूद आने के बाद से ही लेकर जब तक हमारे सामने हैं, हमारे घरों में हैं, हमारे गोदों में हैं, हमारे कब्जे में हैं, हमारी इस्तेदात में है, तन मन धन की बाजी लगाकर बजाते खुद या नेक लोगों से सहयोग और मदद लेकर के उनकी इस्लामी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना चाहिए, उनके मिजाज को नेक से नेक तर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि यही औलाद चाहे लड़के की शक्ल में हो और चाहे लड़कियों की शक्ल में हो, या तो हमारे लिए दुनिया और आखरत के अंदर फितने का सबब बनेंगे अगर हमने अल्लाह ताला की जानिब से अपने ऊपर आयद किए गए की गई जिम्मेदारियों को बहुसने खूबी निभाया नहीं। और या तो अगर हमने अपनी औलाद की कदर व कीमत को पहचाना और अल्लाह ताला की तरफ से दीन हनीफ की जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक हमने अपने बच्चों को पाला, पोसा, तरबियत की, तालीम की और उन्होंने उनके मिजाज को सालेह और नेक बनाए, तो यही औलाद, यही बच्चियां, यही बच्चे हमारे लिए रहमत बनेंगे। इस औलाद की कदर कीमत उस वक्त आपको इस्लामी तरबियत, दीन की पाबंदी, नेक लोगों की सहबत अख्तियार करने पर उसकी हिम्मत अफजाई का फल मिलेगा। आज अगर आपका लड़का इस्लामी तरबियत से मुजयन है, दीन पसंद है, दीन का चाहने वाला है, दीन पर चलने वाला है, दीन की तरफ बुलाने वाला है, दीन का परचम लहराने वाला है और दीन का पाबंद है, नेक मिजाज, सालेह, अच्छे लोगों के सोहबत इख्तियार करके उनसे इल्मे दीन, इस्लामी तरबियत हासिल करता है, जिस पर आज हमें हिम्मत अफजाई करने की तौफीक नहीं मिलती, लेकिन वो माँ बाप जो अपने बच्चे की सालिहियत और सलाहियत, नेक मिजाजी, नेक अखलाक, नेक किरदार,
नेक चालो चलन, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना वगैरह वगैरह, जो देखकर अपने बच्चों की हिम्मत को बढ़ाते हैं, अपने बच्चों के और बच्चियों की तरबियत करते हैं, ये उस दिन उसका उसका उसकी कदर कीमत पहचान पाएंगे जब बच्चे के नेकियों का सिला उनके मरने के बाद उनको मिलेगा। आज माँ बाप दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं कमाए ना कमाए, नेक बने, सालेह बने, इज्जतदार बने, इज्जत करने वाला बने, दीनदार बने, दीन की खिदमत करने वाला बने, कुरान और हदीस का हामिल बने, कुरान और हदीस के इल्म को फैलाने वाला बने, और इस मामले में अपने बच्चे के लिए हर चीज कुर्बान कर देते हैं, वो सआदतमंद है। और बाज माँ बाप ऐसे हैं कि लड़का नमाज पढ़ने गया, घंटा भर कुरान पढ़ रहा है मौली साहब के साथ, अरे कहाँ था, अरे तू तो बस मुल्लाओं के साथ घूमता। नहीं मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चे के नेक मिजाजी पर, सालेह लोगों की सोहबत इख्तियार करने पर, इस्लामी तालीम और तरबियत हासिल करने पर उसकी हमें हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, उसकी हमें मदद करनी चाहिए, उसका ताउन करना चाहिए। अलबत्ता याद रहे, बुरा लड़का, बदकिरदार लड़का या लड़की, बदमिजाज औलाद तो अक्सर और बेशतर अपने वालिदैन के बारे में यही सोचते रहते हैं कि बाप अब्बू जान अम्मी जान कितना माल और जायदाद छोड़ रहे हैं हमारे लिए, अपने मरने के बाद हमारे लिए कितना जायदाद, कितनी प्रॉपर्टी, कितना धन छोड़ रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसा लड़का जिसकी ये फिक्र हो कि हमारे अब्बू और अम्मी कितना बना कमा कमा के बना रहे हैं, कितना हमारे लिए जायदाद और प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये बुरा लड़का है, ये हमारे लिए खैर का जरिया नहीं बनेगा। चुनाचे आप अपने बेटों को, आप अपनी बेटियों को, अपने नाती और नतनियों को, अपने पोते और पुतनियों को अल्लाह ताला से दुआ करते हुए, अल्लाह ताला से फरियाद करते हुए, अल्लाह की तौफीक से आखरत का तोसा, आखरत का सामान बनाने के लिए अंथक कोशिश करें। जिस तरह से आप अपनी तिजारत के अंदर बढ़ाने के लिए, फरोग देने के लिए, आप अपनी खेती बाड़ी को तरक्की देने के लिए, दुनियावी अपने मिशन और कामों काज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, इससे कहीं ज्यादा होशियार वालदेन वो हैं, होशियार अम्मी जान वो हैं, होशियार अब्बू जान वो हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और औलाद की इस्लामी तालीम और तरबियत में दानिस्ता या गैर दानिस्ता, शुऊरी तौर पर या बेशुऊरी तौर पर, जानबूझकर या अनजाने में जो सुस्तियां हो जा रही हैं, जो लापरवाहियां हो जाती हैं, जो काहिलियां हो जाती है, अल्लाह माफ फरमाए और हमें तौफीक दे अपनी जेरे नगी औलाद की इस्लामी तालीम और तरबियत करने की। यकीनन यही हमारे लिए बेहतरीन सरमाया है, यही दुनिया के अंदर यही हमारी औलाद, दुनिया के अंदर इस्लामी मिजाज और चाहत के मुताबिक नेकबख्ती सआदतमंदी का कीमती सामान है। यही औलाद हमारे लिए आखरत में कुर्ब इलाही और अल्लाह ताला की बख्शिश, अल्लाह ताला की मग़फ़रत, अल्लाह ताला की रहमत,
हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इसलिए सामईन किराम और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां, उनकी इस्लामी तालीम और तरबियत में, उनका मिजाज दीनी बनाने में, उनका मिजाज दीन पसंद बनाने में हर मुमकिन बेतहाशा अंथक कोशिश करें। हम और आप सुने, गौर से सुनेंगे, बारहा आपने सुना होगा, आज एक बार याद दहानी के लिए फिर मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल अकरम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया है। क्या फरमाया है? गिरह लगा ले, गांठ लगा ले। अल्लाह ताला नेक आदमी के लिए, नेक आदमी के मकाम और रुतबे को जन्नत में ऊंचा करेगा, बुलंद फरमाएगा, तो वो आदमी जिसके मकाम और रुतबे को अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया, बुलंद कर दिया, वो अल्लाह ताला से अर्ज करेगा, अरे अल्लाह, ऐ अल्लाह ताला, हमारे लिए ऐसा कैसे, मेरे आमाल तो ऐसे नहीं थे कि मैं इतना बड़ा रुतबा पाऊं जन्नत के अंदर, मैं जन्नत के अंदर इतनी बुलंदी पे रहूं, मेरे पास तो ऐसे करतूत नहीं थे, ऐ अल्लाह तूने इतना बुलंद रुतबा हमें कैसे दे दिया, क्यों दिया, अल्लाह तूने इतना ऊंचा मकाम जन्नत के अंदर कैसे दिया। तो अल्लाह ताला जवाब देगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे लड़के की बख्शिश तलबी और इस्तग़फार की वजह से ये बुलंद मकाम तुमको मयसर हुआ है। ये सहीहुल जामे की हदीस नंबर 1670। सामईने कराम, बात मेरी खत्म हो गई। इस बात को सुनने वाले, फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने वाले और सुनने वाले समझ गए होंगे। आपके लिए आपकी जिंदगी में बेहतरीन दुआएं कौन करेगा? आपके लिए आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला से इस्तग़फार और आपके मरने के बाद आपकी बख्शिश के लिए, आपके निजात के लिए, आपके कब्र के अजाब से छुटकारे के लिए, पुल सराग पार करने के लिए, जहन्नम की शोला जन आग से बचाने के लिए कौन अल्लाह ताला से फरियाद करेगा? कौन आपके लिए बख्शिश तलब करेगा? आपका वो लड़का, आपकी वो लड़की जो नेक मिजाज है, जो इस्लामी तालीम और इस्लामी तरबियत से आशना और मुजय्यन है, जो दीनी मिजाज रखता या रखती है, जो दीन पसंद है, जो वालदेन की अहमियत को जानते हैं, जो वालदेन की खिदमात को जानते हैं, जो वालदेन के एहसानात को जानते हैं, ऐसा नेक मिजाज लड़का इस्लामी तालीम और तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता लड़का या लड़की आपके लिए इस्तग़फार करेंगे, या वो लड़का जो जिसको कुरान भी ठीक से पढ़ना नहीं आता, जिसको वुजू के मसाइल भी ठीक से नहीं आते, जिसको तयम्मुम करने का सही तरीका मालूम नहीं, जिसको गुस्ले जनाबत करने का तरीका मालूम नहीं, जिसको हलाल और हराम की तमीज नहीं है, जो कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, जो नमाज भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकता, जो छोटे और बड़े को हुकूक को नहीं जानता है, बस नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं है। आप जरा अंदाजा कीजिए, आप जरा सोचिए कि आपके लिए आपकी जिंदगी में सही सआदतमंद, सही खुशनसीबी का जरिया,
सही तरीके से आराम और सुकून और इत्मीनान और राहत का सामान कौन बनेगा? आपके लिए बख्शिश की दुआएं कौन करेगा? आपके लिए सदका तो खैरात कौन करेगा? आपके लिए सुन्नत नबवी के मुताबिक हज कौन करेगा? आपके लिए दुआएं कौन करेगा? जरा आप अंदाजा कर लीजिए, वो बच्चा करेगा जो नेक हो, जो इस्लामी तालीम को जानता हो, जिसकी तरबियत आपने या आपने जिस मदरसे में डाल दिया था उस मदरसे ने की, या और जिसकी सोहबत, जिसकी संगत अच्छे लोगों के साथ रही, वो करेगा या कौन करेगा? पैसे पे मत जाओ, ये दुनिया की दौलत फानी है, ये दुनिया धरती साया है, दिन ढला की डूब इसका साया, इसकी रोशनी खत्म हो जाती है। अबदी जिंदगी, अजली जिंदगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी में ये औलाद काम आए। अपनी औलाद के बारे में इतनी फिक्र करो, इतनी मेहनत करो। ठीक है, लड़का दुनिया के अंदर गरीब है, कमाता है, मेहनत करता है, लेकिन बेचारा उसकी कमाई में अल्लाह किसी वजह से उतना नहीं देता कि वो अपने अखराजात को बर्दाश्त कर सके, अपने माँ बाप की जरूरियात पूरी कर सके, या अपने भाई बहनों के हाजतों को की तकमील कर सके। लेकिन वो नेक है, सालेह है, पंच वक्ता नमाज का पाबंद है, अपनों और पराओं का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, असातिज़ा का और इंसानों की कदर करने वाला है, इस्लामी मिजाज के मुताबिक, इस्लामी तालीम के मुताबिक आपके लिए भी बिछा रहता है। नेक लड़का, अगर लड़का लड़के की अगर हम तरबियत कर लेंगे और अगर कहीं हम भटकेंगे तो हमें संभालेगा, कहीं हम फिसलेंगे तो हमारी तंबीह करेगा, दुनिया के अंदर भी खिदमत करेगा, माल भी हसबे इस्तेआत कमा करके लाएगा, हमारे लिए सदका भी करेगा, हमारे लिए दुआएं भी करेगा, हमारे लिए इस्तिग़फ़ार भी करेगा, और जो भी हमने उसकी तालीम और तरबियत में मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, वो दीन की तालीम दे रहा है, दीन की तबलीग कर रहा है, गरीबों और मोहताजों की मदद कर वगैरह वगैरह, वो सारे अमल का सवाब हमें भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों और साथियों, मेरी बहनों और माओ, सोच लें, क्या आप और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत के अंदर हमारे रुतबे को, एक तो जन्नत के अंदर दाखिल फरमाए और जन्नत के अंदर हमारे रुतबों को आला और अरफा और बुलंद करे? तो जाहिर सी बात है, ये औलाद की दुआओं की बरकत से होगी। औलाद जो हमारे लिए हमारी बख्शिश और मगफरत तलब करेंगे दुनिया के अंदर, हमारे जीते हुए या हमारे मरने के बाद, उसका अच्छा सिला और बदला मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपकी नेकियों का सिलसिला जारी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र में मानवी बढ़ोतरी और इजाफा हो, तो अपनी औलाद की इस्लामी तरबियत और तालीम के बारे में पूरी अनथक मेहनत करें, कोशिश करें, दुआएं करें, ऐसे वसाइल इस्तेमाल करें, ऐसे ज़रा इस्तेमाल करें जिनके जरिए से आप भी नेक हो, आपकी औलाद भी नेक हो। ये कौन सी बात हुई कि आज बहुत सारे माँ बाप, अल्लाह महफूज रखे, किस लड़के को ज्यादा मानते हैं, बुरा ना लगे सामने करा, आज बहुत सारे माँ बाप किस लड़के को ज्यादा करीब रखते हैं? वो लड़का ना जो पैसे ज्यादा कमा करके आए, जो दुनिया के अंदर सारी शरारत, सारी शैतानियत, सारी अय्यारी, सारी मक्कारी करके अपना जिस्म बचा करके आए, दूसरे को मार कर आए, पिट के ना आए, जो बातचीत में बड़ा बातूनी हो, जो बातचीत में बड़ा बातूनी, हर एक को उल्टा सीधा जवाब देने वाला हो, ज्यादा थप्पी कमा करके भेजने वाला हो,
वो लड़का अक्सर वालदेन के यहां ज्यादा अजीज होता, मुसलमान वालदेन के यहां, और वो लड़का या वो लड़की जो बेचारी कम, जो बेचारे कम बोलने वाले हैं, अजान सुनते ही मस्जिद जाते हैं, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं, वक्त पाने के बाद कुरान की तिलावत भी करते हैं, गरीबों मिस्कीनों और बेवाओं का सहारा भी बनते हैं, बड़ों का भी एहतराम करते हैं, छोटों के साथ शफकत करते हैं, रिश्तेदारों का हसबे रिश्तेदारी उनके कदर मंजिलत का ख्याल रखते हैं, अल्लाह अच्छे लोगों के दोस्त और अच्छे लोगों की संगत अख्तियार करते हैं, लेकिन वो बेचारे कम कमाते हैं। दुनियादार माँ बाप उस लड़के को ज्यादा चाहते लाइक करते हैं जो दुनिया में दुनियावी उमूर में आगे हो, शैतानी कामों में आगे हो, रहमानी अमाल में पीछे हो। ये इंसाफ नहीं है। अफसोस करेंगे जिस दिन अल्लाह ताला के दरबार में हम और आप हाजिर किए जाएंगे और अल्लाह ताला हमारे से हमारी औलाद के बारे में पूछेगा, सवाल करेगा कि औलाद हमने तुझको अता की थी और तूने इसके हुकूक को अदा किया कि नहीं अदा किया, और अगर हमने अदा करने में औलाद के हुकूक की अदायगी में जर्रा बराबर कोताही की, सुस्ती की, और वहां हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तब अफसोस करेंगे। मेरे भाइयों, हर एक अपने औलाद पर जिम्मेदार है। तो खुलासा यह है कि अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया बने, तो हम अपनी औलाद की इस्लामी तालीम और तरबियत पर अंथक मेहनत और कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तू हम सब को तौफीक दे, मदद फरमा कि हम अपने वालदेन के लिए एक बेहतरीन सदका जारिया बने, और हमारी औलाद को, हमारे बच्चों और बच्चियों को अल्लाह ताला हमारे लिए सदके जारिया और हम जन्नत में हमारे लिए रफ़े दर्जात का सबब और जरिया बना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।